हेलो गाइस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। दोस्तों आपको याद हो तो मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली इस तरह की एक इलेक्ट्रिक केबल ली थी जिसे इस फॉर्म में मैंने बना लिया था बेंड करके, क्योंकि बेंडेबल होती है ना, तो इस तरह से बना लिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इसके ऊपर एक सिक्का रखा था और उस सिक्के को जब मैंने घुमाया था तो सिक्का गिर नहीं रहा था। तो मैंने आपसे इसका एक्सप्लेनेशन पूछा था जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ थे और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, मतलब पूछना कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग पूछ रहे थे कि भैया आप ही बता दो। तो मैं आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ। और हाँ भाई, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हिसाब से ना एल्युमिनियम मैग्नेटिक होता है, इसके अंदर एल्युमिनियम लगा हुआ था ना, तो ये मैग्नेटिक था और सिक्का भी था मैग्नेटिक था, जिसकी वजह से नहीं गिरा था। धन्य हो भाई, कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या होता है और इसका मैं आपको एक एडवांस वर्जन भी दिखाने वाला हूँ। उसमें आप बताना कि उसमें मैं किस तरह से चुंबक घुसेड़ दूँगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होगे मेरे पास एक स्क्वायर के शेप में प्लाईवुड है। अब इसको मैंने कुछ इस तरह से रस्सियों से बांध लिया, आप देख सकते हो कुछ तराजू की तरह दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से बंधा हुआ है। और यहाँ पे एक इसके दूसरे इन पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये दूसरे इन पे एक थोड़ा सा नॉट है। तो आज इसकी मदद से मैं आपको वो वाला एक्सपेरिमेंट का एडवांस वर्जन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है ना अच्छा सा फिजिक्स का, हालांकि मुझे फिजिक्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते होगे मेरे पास ये अपना एक सिस्टम है और यहाँ पे मेरे पास दो लकड़ी के टुकड़े हैं। वाओ काफ़ी तेज आवाज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं सिंपली करता क्या हूँ, देखो पहले मैं एक लकड़ी के टुकड़े से करके आपको दिखाता हूँ। इस लकड़ी के टुकड़े को मैं इस तरह से रख देता हूँ और आप बताओ दोस्तों, अगर आप नए हो, उसने शॉर्ट वाली वीडियो नहीं देखी आपने, तो बताओ इस अगर मैं इसे घुमाऊंगा ऐसे राउंड में तो ये लकड़ी का टुकड़ा गिर जाना चाहिए ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो क्यों, अभी मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इसे पूरा देखो 1 2 3। तो देखो दोस्तों ये लकड़ी का टुकड़ा गिर नहीं रहा है और मैं इसे लंबा करता जाऊंगा, इस मतलब स्ट्रिंग को लंबा करता जाऊंगा तो ये लकड़ी का टुकड़ा गिरेगा नहीं, छोटा करता जाऊंगा तो तब भी नहीं गिरेगा। यानी अलग अलग स्पीड पर आप घुमा सकते हो, मैं बहुत ही स्लो घुमा रहा हूँ, बहुत ही स्लो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँ तो मैं ना जहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे मैं इसे आके थोड़ा सा टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखो ये गिर नहीं रहा है, वाह देखा। आप कहोगे भैया मतलब इसमें क्या खास बात है, मैंने सिक्के से करके दिखाया था उस वीडियो में और इसमें इस ब्लॉक से, लेकिन इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक कुछ लिक्विड से करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होगे कि मेरे पास एक प्लास्टिक के जार में थोड़ा सा पानी है। अब सिंपली इस पानी को मैं इस पर रखता हूँ और उसके बाद आपको मैं स्लो मोशन में इसे घुमा के दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं स्लो मोशन में इसे आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते होगे कि ये किस तरह से वर्टिकल पोजीशन में भी घूम रहा है और इसके अंदर का पानी गिर नहीं रहा। मैं इसे थोड़ा सा स्लो करता हूँ और उसके बाद आप देखो इसके पानी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। दोस्तों ये ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है, आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, हालांकि वो सूडो फोर्स होता है तो उसमें आप कन्फ्यूज ना हो। ये देख सकते हैं कितना अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है, आप इसे घर पर एकदम ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं। हालांकि एक दो ट्राई लगेंगे आपको एक्सपेरिमेंट करने में और ये काफ़ी वजन है तो मैं थक चुका हूँ, मैं इसे रोकता हूँ। स्लोली स्लोली मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ और ये रहा भैया हमारा पानी से भरा कंटेनर।
तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।